मेरी प्यारी दोस्त मीचैट। मौसम है सुहाना, डोरा केक है मुझे खाना। मौसम है सुहाना, डोरा केक मैं खाऊंगा। वो सच में बहुत सुंदर थी। वो कोई फूल जैसी थी नोबिता। उसकी आंखें सूरज की रोशनी की तरह थी और तारों की तरह चमक भी रही थी। अच्छा ये बात है। हाँ नोबिता। और इसीलिए उस सपने की वजह से तुम अपना फेवरेट डोरा केक नहीं खा सकते। एक बात पूछो, तुम्हारा डोरा केक खाऊं क्या? हाँ खा लो, मैं तो बस उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो जाकर मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? सीधा जाकर कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। तो क्या मैं जाकर तुम्हारी जगह बात करूँ? क्या सच में? नोबिता तुम जा रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि डोरेमोन तुम हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। पर मैं सोच रहा था इतनी सुंदर बिल्ली आई कहाँ से? दरअसल बात ये है कि अरे नहीं, जरा जरा वहाँ देखो। कहाँ है ये? है आगे वही है नोबिता। ये तो मामूली सा दिखने वाला खिलौना है। तो क्या हुआ अगर ये खिलौना है? तो शायद तुम भूल रहे हो नोबिता, लेकिन मैं भी एक रोबोट ही हूँ। मुझे पता है, लेकिन डोरेमोन तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा कर सकते हो, ठीक है? नोबिता तुम बहुत बड़े हो। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। नोबिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं ये अकेले कर लूँगा। हेलो मेरी दोस्त, मेरा नाम डोरेमोन है। और तो तुम्हारा नाम क्या है प्यारी दोस्त? तुम्हारा नाम क्या है? मी। तुम्हारा नाम मीचैट है क्या? ये बहुत ही प्यारा नाम है। तुम बहुत ही अच्छी हो, तो ये बताओ क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अरे वाह, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं उसका साथ और नहीं दे सकता। अच्छा तो फिर वो मेरी न्यान न्यान है। क्या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनोगी? जल्दी बताओ। अरे तो चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। रुक जाओ, मेरे बेटे का खिलौना वापस करो। आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी दोस्त है, रुक जाइए। ये मेरे बेटे का खिलौना है समझे, और ऐसी अजीब बातें करना बंद करो। ये ध्यान रखना यहाँ दोबारा ना आओ। मैं इस तरह बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। हाँ कौन है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या आप इसे जानते हैं? थोड़ी देर पहले ये हमारे घर के बाहर था। ये मैं आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाले डोरा केक्स लाया हूँ, आप इन्हें खा लीजिए। तुम ठीक तो हो ना? मेरी एक रिक्वेस्ट है, मीचैट को मुझे दे दीजिए। तुम फिर से अजीब बातें कर रहे हो, पहले ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? देरी के लिए माफ कीजिएगा, मैं एक रोबोट हूँ और मेरा नाम है डोरेमोन। मैं नोबी फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा रोबोट हूँ। मैं मीचैट को लेने आया हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मीचैट कौन है? पता नहीं। तुम ठीक तो हो ना? अब जल्दी से इसके परिवार को बुलाओ। क्या डोरेमोन ने ऐसा किया? हाँ। अरे नहीं, अब क्या करूं? डोरेमोन, मैं तब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीचैट को मेरे साथ घूमने दीजिए ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। प्लीज इसका कुछ करो, हमें माफ कर दो प्लीज। अब ये अजीब बातें करना बंद कर दो डोरेमोन, घर चलो।
बार समझाया है शैतानी मत करो। आपको इसकी वजह से परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। डोरेमोन तुम ठीक हो ना? मी चान तुम्हें लगी तो नहीं ना? मी चलो अच्छा है, मैं डर गया था। अच्छा तुम ठीक हो? अगली बार मैं तुम्हारे लिए फिर से खरीदूंगा, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं। शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मी चान के साथ अच्छे से खेलूंगा। अब तुम खुश हो ना? कितनी अच्छी शाम लग रही है ना मी चान? मी चान, क्या तुम कल भी मेरे साथ खेलना चाहोगी? मी, मी, क्या कहा? तुम भी समुद्र के पानी में खेलना पसंद करती हो? ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। それでは新郎より誓いの言葉を。ドラえもんは楽しい時も辛い時もどんな時もみーちゃんを愛し続けることを誓います。よろしい、新婦は誓いますか？みーみーみーちゃんもありがとう。幸せにならない。मैं घर आ गया। आज की स्नैक्स थोड़ा केक है, तुम चाहो तो तुम भी खाओ। अरे तुम्हें मीठा पसंद नहीं है क्या? अच्छा ठीक है फिर, क्या तुम ये खाना पसंद करोगी मी चान? डोरेमोन, तुम इसे खाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इसमें ऑटोमेटिक फूड ईटिंग इंस्टॉल किया है, जिससे जब हम एक दूसरे के साथ घूमने जाएं, तो एक दूसरे के साथ खाना भी खा सके। अरे हाँ, मुझे इसमें और भी चीजें इंस्टॉल करनी चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक वॉकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैंपिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक स्क्रैच सिस्टम, ऑटोमेटिक पेकिंग सिस्टम। जगह कौन सी है और तुम कौन हो? ये नोबिता का घर है और मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डोरेमोन, और मेरी वजह से ही तुम बोल और चल पा रही हो। और सच कहूँ तो हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारी दोस्त? मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया हटो, जाने दो मुझे। अरे रो मत डोरेमोन, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है। नहीं।